अध्यक्ष हूँ कई सालों से, पर मैंने इतना डराने वाला केस शायद ही कभी देखा। एक 16 साल की लड़की, उसको सड़क पर, बीच सड़क पे सब लोगों के सामने 40 से 50 बार चाकू से मारा गया और उसके बाद एक मार मार कर उसकी हत्या कर दी। कितना बेरहमी से उसको मारा गया, ये सारा का सारा सीसीटीवी वीडियो फुटेज में कैप्चर हुआ है। और उस वीडियो में ये भी देख रहा है कि जब वो लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, तो कई सारे आदमी और महिलाएं सड़क के पास से गुजर रहे हैं और कोई पलट के भी नहीं देख रहा। तो दिल्ली एक बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित जगह है महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए, और साथ में दिल्ली बहुत असंवेदनशील भी हो गई है। ये क्यों हो रहा है? मैं ये मानती हूँ कि आज दिल्ली में किसी को डर नहीं लगता। लोगों को लगता है कि वो किसी भी महिला के खिलाफ, किसी भी बच्ची के खिलाफ कुछ भी कर देंगे, घिनौना से घिनौना अपराध कर देंगे, और कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसको बदलने की ज़रूरत है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है, तुरंत एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग बुलाएं जिसमें देश के होम मिनिस्टर हों, क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे सीधे उन्हें रिपोर्ट करती है, LG साहब हों, मुख्यमंत्री हों, दिल्ली पुलिस कमिश्नर हों और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हों। हर दिन दिल्ली महिला आयोग के पास कम से कम 6 रेप केसेस आ रहे हैं, लड़कियों को बुरी बुरी तरीके से मारा जा रहा है, और ये कब तक चलता रहेगा? अगर अब कुछ नहीं करा गया तो लड़कियाँ ऐसे ही मरेंगी।